हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। बाजार जैसी, खाने में क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट चिक्की, परफेक्ट नाप के साथ और कुछ टिप्स के साथ आज हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाजार जैसी मूंगफली चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के नाप देख लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मूंगफली ली है। घर में रही कोई सी भी कटोरी का नाप सेट कर लीजिएगा। उसके सामने हमने जिस कटोरी के नाप से मूंगफली ली है उसी कटोरी के नाप से हमें 2 कप गुड़ लेना है। उसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है ताकि गुड़ फटाफट मेल्ट हो जाए और उसमें लम्ब्स न रह जाए। चिक्की बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ नहीं करना है, वरना चिक्की हमारी काली हो जाएगी। चिक्की बनाने के लिए हमें कोल्हापुरी गुड़ या फिर हल्का सा वाइट गुड़ हो उसी का ही यूज़ करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। अब चिक्की बनाने के लिए मूंगफली के छिलके निकालने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है। अब उसमें हम 2 कप मूंगफली के ऐड करेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसे हमें कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते रहना है। चिक्की बनाने से पहले मूंगफली को रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मूंगफली रोस्ट होने से उसका जो नटी फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। कई बार हम बाज़ार से बिना छिलके वाली मूंगफली का यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से मूंगफली को रोस्ट करके यूज़ करोगे तो आपकी चिक्की 100% बाज़ार जैसी क्रंची बनेगी। तो आप देख सकते हो कि 5 से 8 मिनट हो चुकी है और मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। हाथ में मूंगफली का एक दाना लेकर आप उसे चेक कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब रोस्ट की हुई मूंगफली को हम इस तरह के कॉटन के कपड़े में डालेंगे और इसे हम इस तरह से मसल लेंगे। कपड़े को खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि मूंगफली हल्की सी गर्म होने के कारण उसके छिलके आसानी से निकल गए हैं। अब हम मूंगफली को छिलके से अलग कर देंगे। अब मूंगफली को हम एक प्लेट या फिर थाली में ले लेते हैं और दाने पर कोई भी भारी चीज़ से हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। दाने को ब्रेक करने के कारण उसका जो नटी फ्लेवर है वो चिक्की में बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं। अब चिक्की बनाने के लिए हैवी बॉटम की कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी डालने से चिक्की में एकदम अच्छी सी शाइनिंग आती है और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। अब घी गरम हो चुका है। अब चॉप किया हुआ गुड़ पैन में ऐड करेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कंटिन्यू स्टर करते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने गुड़ को रफली चॉप करके यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके लिया है, तो गुड़ फटाफट मेल्ट हो गया है। गुड़ को हमें तब तक कुक करना है जब तक गुड़ का कलर चेंज ना हो जाए और उसे हम जब पानी में चेक करेंगे तो वो क्रिस्टल की तरह टूट जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है और मेल्ट हुए गुड़ को हमें चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी में पानी लिया है और उसमें मेल्ट हुए गुड़ को ऐड करेंगे और उसे हम चेक कर लेंगे और हाथ में लेके हम इसे चेक करेंगे तो इस तरह से वो खींचता है, मीन्स के अभी गुड़ कच्चा है। फिर से चम्मच की मदद से कंटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और क्रिस्टल की तरह वो टूट ना जाए, तब तक हमें गुड़ को मेल्ट करते रहना है। गुड़ का हल्का सा डार्क कलर आए तब तक हमें गुड़ को पकाना है। तो 1 से 2 मिनट हो चुकी है। अब हम फिर से पानी में मेल्ट हुए गुड़ को डालकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि गुड़ एकदम क्रिस्टल की तरह टूट जाता है, दैट मीन्स हमारा गुड़ चिक्की के लिए परफेक्ट मेल्ट हुआ है। अब हम मेल्ट हुए गुड़ में मूंगफली को ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो पर कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि मेल्टेड गुड़ में मूंगफली अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो स्टील की थाली का भी यूज़ कर सकते हो। स्टील की थाली पर आप थोड़ा सा घी लगाकर उसे अच्छे से ग्रीस करके भी कर सकते हो। सबसे पहले चिक्की का सारा मिक्सचर हम ग्रीस की हुई जगह पर डालेंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह से गोला बना लेंगे और कटोरी की मदद से इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से
अब हम बेलन की मदद से चिक्की को बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से पतली या फिर मोटी चिक्की बेल सकते हो। अब गरम गरम चिक्की पर हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। चिक्की के पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हो। तो इस तरह से गरम गरम चिक्की पर हम कट करेंगे तो चिक्की के पीसेस बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब चिक्की को हम एक घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तो एक घंटा हो चुका है और हमारी चिक्की भी रेडी हो चुकी है। तो त्यौहार में घर पर हम आसानी से ये चिक्की बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना, और मेरी चैनल को ज़रूर से भूले बिना सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।